देखिए मैं यहां आया मैं आपसे गले मिलने आया आपकी बात सुनने आया आपके सपनों के बारे में सुनने आया हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है प्रिंसिपल्स हैं उनको फोन लगाया कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से असम के छात्रों से नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है और इसीलिए 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 मैं यहां नहीं आ पाया मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपको आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है यह हो रहा है हिंदुस्तान में आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत आप सपने मत देखो जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो मैं आपसे यहां कहने को आया हूं आप हिंदुस्तान के भविष्य हो अगर आपने सोचना बंद कर दिया अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान नहीं बचेगा क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पर चलता है यह राहुल गांधी की बात नहीं है राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है यह हिंदुस्तान के भविष्य हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है आपके इतिहास को दबाया जा रहा है आपके कल्चर को दबाया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं आप ये नहीं होने दो ये कभी नहीं होने दो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है आप इस देश के भविष्य हो जो सपना आप देखना चाहते हो जो आप करना चाहते हो जो आप पहनना चाहते हो वो आप करो कोई आपको नहीं रोक सकता है